हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। सो आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। सो अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। देखिए, स्ट्रेटजी का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्लानिंग। अब देखिए, प्लान का क्या मतलब है, आपको कोई भी टास्क को अचीव करना है, इसके लिए आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ओके, तो ये आपका प्लानिंग का पार्ट होता है। बट स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, आपको फ्यूचर में क्या चीज अचीव करनी है, इसके बेसिस पे आप कंटिन्यूअस प्लानिंग करते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेट करता है। ओके, यहाँ पे हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ क्या लिखा गया है, अ जनरल डायरेक्शन सेट फॉर द कंपनी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट टू अचीव अ डिजायर स्टेट इन द फ्यूचर। बेसिकली आपको कोई भी फ्यूचर के अंदर डिजायर स्टेट को अचीव करना है, इसके बेसिस पे एक जनरल डायरेक्शन सेट कर देता है स्ट्रेटजी। ओके, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेटजी सो दैट टू अचीव अ बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सो दैट आप बेटर परफॉर्मेंस अचीव कर पाएं एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाएं। अब ये बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है, देखिए बेटर परफॉर्मेंस नाम से ही क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा हो। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का। सो देखिए, यहाँ पे हम मेजर तीन कंपनियाँ ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एयरटेल, सेकंड वोडाफोन एंड थर्ड ले लेते हैं यहाँ पे हम जियो। ओके, मान लीजिए एयरटेल का प्रॉफिट रहा है यहाँ पे 10 करोड़, वोडाफोन का प्रॉफिट रहा है यहाँ पे 15 करोड़ और जियो का प्रॉफिट रहा है यहाँ पे 40 करोड़। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट निकालें तो वो कितना आएगा, 40, 50, 60 एंड 65 करोड़। ये इंडस्ट्री का टोटल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 21.67 करोड़। ओके, देखिए ये इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट है और जियो का प्रॉफिट कितना है, 40 करोड़। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कंपनी दैट इज जियो का प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो जियो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की पोजिशन के अंदर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टरशिप्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इसके क्या क्या करेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि कंपनी को मूव करता है इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज यहाँ पे आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपके फ्यूचर में कौन से डिजायर स्टेट को अचीव करना है। ओके, टू असिस्ट द फर्म इन बिकमिंग प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है और रिएक्टिव का क्या मतलब है, प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि बेसिकली कोई भी कंटिजेंसी अराइव हो तो यहाँ पे आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। रिएक्टिव का मतलब ये होता है अगर कोई भी कंटिजेंसी अराइज हो चुकी है तब आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमने देख लिया। कोर कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब होता है, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि कहाँ पे किस फील्ड के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइजेशन है। ओके, तो वो होती है कोर कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रेटजी इन शॉर्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी। आप अभी कहाँ पे हैं और आपको कहाँ पे पहुँचना है, इसके बीच का जो गैप होता है इसको ब्रिज करता है आपका स्ट्रेटजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन की मैंने पार्ट ए का क्वेश्चन है, क्या बोला गया यहाँ पे, इन रेफरेंस पार्ट ए एंड पार्ट बी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं, स्ट्रेटजी इज द एक्शन प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजी एक एक्शन प्लान होता है जिसके बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं पार्ट बी को, इट इज द ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड डिजायर्ड फ्यूचर। तो अभी हमने डिस्कस किया जो स्ट्रेटजी होती है वो प्रेजेंट एंड डिजायर्ड फ्यूचर के बीच में जो गैप है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजिक स्टेटमेंट। देखिए, स्ट्रेटजिक स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका स्ट्रेटजिक इंटेंट। स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है, स्ट्रेटजिक इंटेंट हेल्प मैनेजमेंट टू एम्फेसाइज एंड कंसेंट्रेट ऑन
प्रायोरिटीज। तो बेसिकली जो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू कंसंट्रेट ऑन प्रायोरिटी, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर है उस पर फोकस करने में हेल्प करता है, और जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है उसको वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक चीज गिवन है इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजिक इंटेंट एंड स्ट्रेटजिक फिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए सो दैट आप इस डेफिनेशन को क्लियरली समझ पाए। देखिए मान लीजिए आपके पास इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है, ओके, और यहाँ पे आपकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो इसके बीच में जो ये वाला गैप है, देखिए ये जो गैप है इसमें इसके बीच में, इस गैप को फिलअप करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं उसको आप हार्मोनाइज करेंगे सो दैट आप अपने मार्केट को कैटर कर पाए। ओके, और इससे डील करता है बेसिकली स्ट्रेटजिक फिट। स्ट्रेटजिक फिट इसका क्या मतलब है, आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हार्मोनाइज कर रहे हैं सो दैट आप मार्केट को कैटर कर पाए। स्ट्रेटजिक इंटेंट का क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए ये जो आपने मार्केट को टारगेट किया है ये हायर क्लास के, इसके आउटसाइड भी कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है। ओके, अब मान लीजिए आपने हायर क्लास को टारगेट किया, इसके आउटसाइड यहाँ पे लोअर क्लास या मिडिल क्लास एग्जिस्ट करती है, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। ओके, आपने हायर क्लास को टारगेट कर लिया, आप उसके साथ साथ मिडिल एंड लोअर क्लास को भी टारगेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है और आप उनको हार्मोनाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नए रिसोर्सेज बिल्डअप करेंगे। तो ये जो आपका गैप है इसको फिलअप करने के लिए आप क्या करेंगे, नए रिसोर्सेज को बिल्डअप करेंगे। तो इससे डील करता है आपका स्ट्रेटजिक इंटेंट, स्ट्रेटजिक इंटेंट। ओके, तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस है स्ट्रेटजिक फिट के अंदर और स्ट्रेटजिक इंटेंट के अंदर। अब देखिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। स्ट्रेटजिक इंटेंट डिफर फ्रॉम स्ट्रेटजिक फिट इन अ वे दैट व्हाइल स्ट्रेटजिक फिट डील विद हार्मोनाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्ट्रेटजिक इंटेंट एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग न्यू रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल सो एज टू क्रिएट एंड एक्सप्लॉइट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर है। स्ट्रेटजिक इंटेंट का मतलब क्या होता है, आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए नए रिसोर्सेज बिल्डअप करते हैं, और फिट का क्या मतलब होता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आप हार्मोनाइज करते हैं। आप इसको याद रखिए, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर के अंदर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देखिए विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इनकी डेफिनेशन में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नेसेसरी है कि आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आप इस हायरार्की को समझिए, देखिए आपका जो विजन होता है वो जनरली बहुत कम होते हैं और जनरली ये एक ही होता है। ओके, बट जैसे जैसे आप विजन से प्लान की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए आपके प्लान्स कई सारे होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लान से थोड़े से कम होते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव से थोड़े कम होते हैं, मिशन गोल से कम होते हैं थोड़े से, और विजन आपका जनरली एक ही होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, फ्यूएस्ट इन नंबर मोस्ट इन नंबर। ओके, तो विजन से जैसे जैसे आप प्लान की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे विजन का क्या मतलब है, मिशन का क्या मतलब है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं सो दैट आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे हम बात करते हैं यूएस की एक रिटेल चेन कंपनी की, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को आप जानते होंगे, यूएस की एक रिटेल चेन कंपनी है। यहाँ पे वॉलमार्ट क्या करती है, फाइनल कंज्यूमर को रिटेल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अब देखिए वॉलमार्ट का जो विजन है दैट इज वो लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है, उसका विजन ये है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल चेन कंपनी बन जाए। तो ये उसका विजन है, इसको 20 साल 30 साल या जितने भी लॉन्ग टर्म में उसको अचीव करना चाहती है वो उसका विजन है। ओके, मिशन का क्या मतलब है, अब देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल चेन कंपनी बनेगी कैसे। यहाँ पे जो वॉलमार्ट के जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो यूएस के हैं, दैट वो हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, बिकॉज देखिए यूएस के अंदर जनरली सारे लोग हायर क्लास के ही होते हैं। बट अगर वो पूरे वर्ल्ड को टारगेट करना चाहती है तो यहाँ पे सारे वर्ल्ड के अंदर तो सारे लोग हायर क्लास के नहीं है, तो यहाँ पे उसको मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास को टारगेट करने के लिए उसको क्या करना होगा, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो हायर क्लास की तरह ही शॉपिंग कर पाए। ओके, तो यहाँ पे वॉलमार्ट का मिशन क्या है, टू गिव ऑर्डिनरी फॉल्क द चांस टू बाय द सेम थिंग एज रिच पीपल। तो ये ऑर्डिनरी पीपल को भी एक चांस दे कि वो रिच पीपल की तरह ही शॉपिंग कर पाए। आगे बढ़ते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो देखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो क्या है, गोल्स आपके प्रिसाइज होते हैं एंड मेजरेबल होते हैं,
ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं टाइम बेस्ड मेजरेबल। तो देखिए मेजरेबल आपके दोनों में कॉमन होगा, बट गोल्स आपके प्रिसाइज होते हैं, बट ये टाइम बाउंड नहीं होते हैं। यहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि आपको गोल्स कब तक अचीव करने हैं। ओके, ये थ्री ईयर्स फोर ईयर फाइव ईयर्स का हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव आपका टाइम बाउंड होता है। दैट इज आपको एक साल दो साल का टाइमिंग फिक्स करके दे दिया गया, इसके अंदर आपको ये चीज अचीव करनी है। जैसे कि किसी भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बेसिकली इस साल, दैट इज एक साल के अंदर उसका जो प्रॉफिट है वो 10% इंक्रीज हो जाए। ओके, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। गोल क्या हो सकता है कि बेसिकली जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो बाकी कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो गोल्स हैं ये प्रिसाइज होने चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म होने चाहिए, दो साल तीन साल चार साल, बट यहाँ पे ये टाइम बाउंड की कोई नेसेसिटी इसके अंदर नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा टाइम बाउंड होते हैं, दैट इज उसमें टाइमिंग फिक्स होता है कि इस विद इन टाइम पीरियड के अंदर आपको ये चीज अचीव करनी है। ओके, तो आई होप कि आपको विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए विजन और मिशन बेसिकली टाइम बाउंड नहीं होते हैं और मेजरेबल भी नहीं होते हैं। देखिए विजन की अगर हम बात करें तो ये 20 साल या 30 साल बाद अगर वॉलमार्ट को वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल चेन कंपनी बननी है तो क्या यहाँ पे ये टाइमिंग फिक्स है? नो, टाइमिंग भी फिक्स नहीं है। और क्या ये मेजरेबल है? नो, ये मेजरेबल भी नहीं है। मिशन भी मेजरेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो लोगों को चांस देना चाहती है, ऑर्डिनरी पीपल को, कि वो रिच क्लास की तरह शॉपिंग कर पाए। ओके, चलिए अगला है आपका स्ट्रेटजी वर्सेस टैक्टिक्स। तो देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इसके बीच में। स्ट्रेटजी आपका जनरली लॉन्ग टर्म होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चीज अचीव करना है, क्या आपका डिजायर स्टेट अचीव करना है, इसके बेसिस पे आप कंटिन्यूअस प्लानिंग करते हैं। टैक्टिक्स आपका होता है शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट डिसीजन, आपको इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना है और वो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं है, वो आपके टैक्टिक्स के अंदर आता है। ओके, तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला है आपका स्ट्रेटजिक एनालिसिस। अब देखिए आप कोई भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनवायरमेंट एनालिसिस पे करेंगे, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो देखिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होगा? इंटरनल एनालिसिस, और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इन दोनों के अंदर कुछ मॉडल्स हैं, हम उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम बात करें इंटरनल एनालिसिस की तो इसके अंदर आपके जो मॉडल्स हैं वो है रिसोर्स बेस्ड अप्रोच एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर जो आपके मॉडल्स हैं वो है आपका पेस्टल, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, एंड आपका पॉटर अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस, दैट इज पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल। ओके, तो इन चारों मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, इनसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला आपका मॉडल है रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, ये इंटरनल एनालिसिस का मॉडल है। देखिए यहाँ पे बेसिकली रिसोर्स का क्या मतलब है? देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज है वो मेजर दो कैटेगरी में हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या कैपिटल रिसोर्सेज। तो देखिए कोई भी रिसोर्स है उनको दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल। अब ये टेंजिबल एसेट्स क्या है और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैपिटल, इन सबको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गुडविल, ब्रांड रेपुटेशन, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे आपके इनटेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मॉडल है रिसोर्स बेस्ड व्यू का, आप इस मॉडल को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, और उनके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट इज वो हेट्रोजीनियस होने चाहिए और इमोबाइल होने चाहिए। हेट्रोजीनियस क्या है और इमोबाइल क्या है? हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने चाहिए, डेट इज वो यूनिक होने चाहिए। ओके, तभी वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर जो आपके पास रिसोर्सेस हैं वो सभी के पास अगर अवेलेबल होंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर? तो यहाँ पे बेसिकली एक नेसेसिटी ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली हेट्रोजीनियस होने चाहिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे अलग होने चाहिए। ओके, सेकेंड है आपका इमोबाइल। अब देखिए मान लीजिए आपने अपने रिसोर्सेज को प्रिपेयर किया और उसके बाद कोई बड़ी कंपनी आई, उसने आपके रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया, तो यहाँ पे अगर रिसोर्सेज मोबाइल हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कोई भी कंपनी उनको इजीली एक्वायर कर सकती है, और अगर इजीली एक्वायर कर सकती है तो यहाँ बेसिकली क्या आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बेसिकली रिसोर्सेज के अंदर दो कैरेक्टर्स होने बहुत जरूरी है, दैट इज वो हेट्रोजीनियस होने चाहिए और इमोबाइल होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास उनके अंदर VRIU एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अब ये VRIU एट्रीब्यूट्स क्या है? देखिए VRIU एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके वैल्यू, रेयर, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है हम ये पहले देख लेते हैं। देखिए
वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसोर्स कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दैट ये का कोई भी रिसोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उसको सारे ऑर्गेनाइजेशन परचेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत फ्यू फर्म्स होंगी जो उसको परचेस कर पाएंगी, तो यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट होगा उसके लिए फ्यू फर्म्स के लिए वो मार्केट होगा, ओके, फ्यू फर्म्स ही उसके अंदर कॉम्पिटिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा आपका रिसोर्स उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, ओके। सेकेंड है रेयर। रेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल है वो कितना रेयर है, कितनी इजीली अवेलेबल हो रहा है वो मार्केट के अंदर। वो इजीली अगर अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो यहाँ पे बेसिकली उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है दैट इज वो स्केयर रिसोर्स है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ये सेकंड क्वालिटी है। थर्ड इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। अगर मान लीजिए उन रिसोर्सेज का इजीली कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, उसको इजीली कॉपी किया जा सकता है तो यहाँ पे उनकी रिसोर्सेज की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, बट अगर उनको इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता तो उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। फोर्थ आपका है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं बट क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। अगर वो हो पा रहा है तभी बेसिकली हम कह सकते हैं कि यस वो रिसोर्सेज आपके लिए वैल्यूएबल हैं, अदरवाइज वो नहीं होंगे, ओके। तो इसका क्या मतलब है, द फर्म रेडी एंड एबल टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्स। फर्म बेसिकली रिसोर्स को एक्सप्लॉयट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये वी आर आई यू एट्रीब्यूट्स होने चाहिए किसी भी रिसोर्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हम मॉडल पे आते हैं, तो यहाँ पे मॉडल में क्या बोला गया है कि रिसोर्सेज आपके दो टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल। जब वो उनके अंदर दो क्वालिटी जाती हैं दैट इज हेट्रोजीनियस एंड इमोबाइल, उसके साथ साथ उनके अंदर वी आर आई यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ये सारे मिलके बेसिकली किसी भी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, ओके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा हो सकता है अगर आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो इनको क्वालिफाई कर रहे हैं, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, आप इसको याद रखिए। चलिए आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, यहाँ पे बेसिकली रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ओके, बेसिक रिसोर्सेज को कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस मॉडल को याद रखिए, आप ईजिली आंसर कर पाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, डिस्क्राइब किया गया है इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड मॉडल है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस। तो देखिए अगर हम बात करें वैल्यू चेन एनालिसिस की तो यहाँ क्या बोला गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड होती है आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो फर्म की कोर फील्ड है, ओके, दैट इज जो उसकी कोर एक्टिविटी है वो उसकी प्राइमरी एक्टिविटी होगी, जैसे कि आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ओके। सपोर्ट एक्टिविटीज हमें क्या क्या चीज़ें हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि जरूरी नहीं कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज ही वैल्यू ऐड करें, सपोर्ट एक्टिविटीज भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती हैं। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, देखिए फैक्चुअली आपसे ये पूछा जा सकता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल को डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था माइकल पॉटर ने इन द ईयर 1985, आप इसको याद रखिए, ओके। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं, सो दैट आप प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं और उनके बीच में डिफरेंशिएशन समझ पाएं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है फोर्ड कंपनी का। फोर्ड कंपनी के बारे में क्या बोला गया है कि इसका $1.2 बिलियन का प्रॉफिट था फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज इन 2007 कंपेयर टू लॉस ऑफ $5 बिलियन फ्रॉम ऑटोमोबाइल इवन दो फाइनेंस अकाउंटेड ओनली फॉर 10.5% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू। देखिए फोर्ड कंपनी जो है बेसिकली 2007 के अंदर उसने $1.2 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड $5 बिलियन का लॉस इनकर किया था फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। तो देखिए आपको फोर्ड के बारे में पता होगा, वो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज से उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा आए थे और यहाँ पे जो उसका ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वो उससे उसको लॉस इनकर हुआ था, ओके। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेसिकली कि हमेशा आपका जो प्राइमरी एक्टिविटी है वही वैल्यू एड करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोर्ट एक्टिविटीज भी वैल्यू एड कर सकती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे और भी क्या बोला गया, फाइनेंस अकाउंटेड ओनली फॉर 10.5% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू। फाइनेंस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बेसिकली वो 10.5% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू ही रहा है, बट स्टिल उसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है कंपनी को और ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी को लॉस इनकर हुआ है, ओके। चलिए देखिए अभी हमने इंटरनल एनालिसिस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस की। तो इसके अंदर आपके बेसिकली दो मॉडल्स हैं, सबसे पहला आपका पेस्टल एनालिसिस, सेकेंड आपका पॉटर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। सो देखिए अगर हम बात करें पेस्टल एनालिसिस की तो यहाँ पे बेसिकली नाम से क्लियर है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, ये 6 के 6 फैक्टर इसके अंदर आते हैं।
इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। देखिए पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, करप्शन कितना है कंट्री के अंदर, फॉरन ट्रेड पॉलिसी क्या है कंट्री की, ट्रेड पॉलिसी क्या है, लेबर लॉज कैसे हैं, रेस्ट्रिक्शन क्या है ट्रेड पे, तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आएंगी। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आएंगी। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, डिस्क्राइब करने की आई थिंक इसकी नीड नहीं है। ओके चलिए हम डायरेक्टली आते हैं पॉटर्स अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। देखिए इसको भी माइकल पॉटर ने ही डेवलप किया था इन द ईयर 1979। अब देखिए यहाँ पे नाम क्लियर है, माइकल पॉटर ने दो मॉडल डेवलप किए, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल, बट यहाँ पे इनका ईयर डिफरेंस है। वैल्यू चेन एनालिसिस आपका 1985 में आया है और पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल आपका 1979 के अंदर। आपसे फैक्चुअली भी पूछा जा सकता है बिकॉज यहाँ पे पास्ट ईयर के अंदर फैक्चुअली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हम डायरेक्टली मॉडल पे आते हैं, मॉडल के अंदर बोला गया है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कितना कॉम्पिटिशन होगा वो बेसिकली फाइव फोर्सेस पे डिसाइड होता है। और ये कौन से पांच फोर्सेस हैं, सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कितनी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कितना है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कितना है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कितना है, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर राइवलरी कितनी है। तो इन पांच फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कितना है। अगर कोई भी नई फर्म उसके अंदर एंटर करना चाहती है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो इन पांचों फोर्सेस के बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है, उसको इस मार्केट के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं हर एक कॉम्पोनेंट की। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, हम बेसिकली मेजर मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट की बात करेंगे यहाँ पे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कब हाई हो सकता है, अगर लो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है उस मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए। ओके एग्जिस्टिंग कंपनी ज्यादा कुछ नहीं कर रही है रिटेलिएट करने के लिए, दैट इज कंपटीशन को फेस करने के लिए। एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास कोई भी पेटेंट नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है और कोई उनकी ब्रांड रेपुटेशन नहीं है, तो इस केस में भी बेसिकली उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई भी इमिटेट कर सकता है। नाउ गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है कस्टमर की, देयर इज लो कस्टमर लॉयलिटी, प्रोडक्ट का नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं आपके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी इजिली अचीव। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कितना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा हो सकती है। देखिए अगर बहुत कम सप्लायर हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। सेकंड, सप्लायर आर लार्ज एंड थ्रेटन टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट, सप्लायर लार्ज हैं और वो ये थ्रेट करते हैं कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लेंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेट का क्या मतलब है, सप्लायर ये भी कह सकते हैं कि हम आपको रॉ मटेरियल क्यों सप्लाई करें, हम ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाते हैं, तो बेसिकली वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट का थ्रेट कर सकते हैं। फ्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल एग्जिस्ट, रॉ मटेरियल का कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, सप्लायर होल्ड स्केयर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रॉ मटेरियल इज स्पेशली हाई, तो बेसिकली यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की स्विचिंग कॉस्ट वो काफ़ी हाई है, तो इन सब केसेस में जो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दैट इज कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर कब ज़्यादा हो सकती है, अगर बहुत कम बायर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके मार्केट में, ओके स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है, दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेट, तो यहाँ पे कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाएंगे। दैट इज मान लीजिए अगर आप रिटेलर हैं तो कंज्यूमर आपको ये कह रहे हैं कि आपसे परचेस ना करके हम डायरेक्टली होलसेलर से परचेस कर लेंगे। ओके तो इन सब केसेस में आपके पास कंज्यूमर के तरफ से भी थ्रेट हो सकते हैं। ओके मैनी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बायस प्राइस सेंसिटिव है, दैट इज इलास्टिसिटी ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट की। ओके तो ये सब केसेस हो सकते हैं जब बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर आपके कंपोनेंट का आपके प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इजीली मार्केट के अंदर, तो इस केस में भी बेसिकली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अगला, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, तो बेसिकली एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर के अमंग भी राइवलरी काफ़ी ज़्यादा है। कैसे डिसाइड होता है, देखिए अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एग्जिट बैरियर्स हाई हैं। एग्जिट बैरियर्स कब हाई हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी सेटअप हुई थी उसने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस इंडस्ट्री से उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी हुई है वो सारी लॉस हो जाएगी, इसीलिए बेसिकली यहाँ पे जो एग्जिट बैरियर्स हैं वो हाई हो सकते हैं। ओके इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज स्लो और नेगेटिव, जो भी इंडस्ट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ स्लो है या नेगेटिव है।
Products are not differentiated and can be easily substituted. Competitor are of equal size. Low customer loyalty. तो कुछ कुछ similar points हैं, आप इसको भी देख सकते हैं. Okay. तो ये factors काफी important है. अगर कोई भी company किसी industry के अंदर enter करना चाहती है तो इन पांचों forces को analyze किया जाता है और वहाँ पे basically ये देखा जाता है कि कितना competition exist करता है. इसके बाद ही कोई company decide करती है कि इस market के अंदर हमें enter करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Okay. तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली इंटरनल एनालिसिस के अंदर आपके पास क्या क्या मॉडल्स हैं और एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आपके पास क्या क्या मॉडल्स हैं. आगे बढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस पे. स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, देखिए हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस के मॉडल्स को अलग अलग देखा. स्वॉट एनालिसिस के अंदर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों को एक साथ करते हैं. कैसे करते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे बेसिकली ये आपका मॉडल है स्वॉट एनालिसिस का. यहाँ पे आपके पास गिवन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव फैक्टर है तो उसको आप क्या कंसिडर करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ. ओके, अगर आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव फैक्टर है तो उसको आप क्या मानते हैं, अपनी वीकनेस. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव फैक्टर है तो उसको आप क्या मानते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी. और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी नेगेटिव फैक्टर है तो उसको आप क्या मानते हैं, थ्रेट. अब ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं क्या, देखिए किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लार्ज कस्टमर बेस है, यूनिक प्रोडक्ट है उसका, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसका पेटेंट प्रोटेक्शन भी है उसके पास, क्वालिटी इन प्रोडक्ट है, कस्टमर सर्विस उसकी काफ़ी अच्छी है, कॉस्ट एडवांटेज है, दैट इज जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके कॉम्पिटिटर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफ़ी कम है. ओके, वीकनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपके पास कोई भी पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है, पुअर रेपुटेशन है आपकी कस्टमर के बीच में, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, आप प्लांट को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ मेजर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, की डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल का एक्सेस नहीं है आपके पास, कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका काफ़ी हाई है. ओके, तो थोड़ा थोड़ा कुछ स्ट्रेंथ का ऑपोजिट है ये. चलिए अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं, अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड. अगर कस्टमर की नीड अनफुलफिल्ड है तो यहाँ पे बेसिकली उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. ओके, अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर अगर हट गए हैं, एक्वायरिंग रेबल बिजनेस, तो ये सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं. थ्रेट, थ्रेट की अगर हम बात करें बेसिकली आपके पास क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, अगर कंज्यूमर का टेस्ट शिफ्ट हो गया दूसरे प्रोडक्ट पे, इमरजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, नए रेगुलेशंस आ गए, ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज हो गए, तो ये सारे आपके लिए थ्रेट्स हो सकते हैं. अब देखिए स्वॉट एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में तो बात कर ली, बट बेसिकली यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट करेंगे इनके बेसिस पे इसके बारे में हम बात करते हैं. तो इसके लिए बेसिकली स्वॉट या टॉस मैट्रिक्स एक बनाया गया है, आप इसको स्वॉट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या टॉस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. ओके, सो मान लीजिए मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और आपके पास स्ट्रेंथ भी है. ओके, आपके पास स्ट्रेंथ है और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो आप यहाँ पे एसओ स्ट्रेटजी लगाएंगे. ओके, दैट इज यहाँ पे आप इसका फर्स्ट एस ले लीजिए और यहाँ पे इसका फर्स्ट ओ ले लीजिए. ओके, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है बट आप वीक हैं, आप उसको बना ही नहीं सकते, तो आप डब्ल्यू स्ट्रेटजी लगाएंगे. अगर मार्केट के अंदर थ्रेट है और आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप एस टी स्ट्रेटजी, अगर मार्केट के अंदर थ्रेट है और आपके पास वीकनेस हो आप डब्ल्यू टी स्ट्रेटजी. अब ये है क्या चीज़ें इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पे बेसिकली आप कैसी कैसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं एसओ में, डब्ल्यू ओ में, एस टी में एंड डब्ल्यू टी में. देखिए अगर हम बात करें एसओ की तो यहाँ आपके पास स्ट्रेंथ है और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपके पास स्ट्रेंथ भी है और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप क्या करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी को परस्यू करेंगे. ओके, सिंपल. सेकंड, डब्ल्यू ओ स्ट्रेटजी, अगर आप वीक हैं और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करेंगे अपनी वीकनेस को ओवरकम करेंगे सो दैट आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी को परस्यू कर पाएं. ओके, अगला है आपका एस टी स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे क्या होगा अगर आपके पास स्ट्रेंथ और मार्केट के अंदर थ्रेट है, तो देखिए स्ट्रेंथ आपके पास है और मार्केट के अंदर थ्रेट है तो आप क्या करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट आप थ्रेट से बच पाए. ओके, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट आप थ्रेट्स को मैनेज कर पाए, उनसे बच पाए. डब्ल्यू टी स्ट्रेटजी, मार्केट के अंदर थ्रेट है और आप वीक भी हैं, तब आप क्या करेंगे बेसिकली आप ये सोचेंगे कि किसी भी तरीके से इस थ्रेट से बचा जा सके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक डिफेंसिव प्लान बनाएंगे. ओके, तो आप किसी भी तरीके से उससे बचने के लिए एक प्लान बनाएंगे जिसको क्या बोला जाएगा डब्ल्यू टी स्ट्रेटजी. तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हैं.
चलिए अगले पर पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो देखिए अगर हम बात करें स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी स्ट्रेटजी होती है वो मेजर तीन लेवल पे होती है। सबसे पहली होती है आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, सेकेंड है आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और थर्ड है आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वो होती है जो टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है। बिजनेस लेवल, देखिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बिजनेस लेवल्स हैं उनके बेसिस पे जो बिजनेस मैनेजर्स ही स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। फंक्शनल लेवल, विद इन बिजनेस क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट अगर अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहा है तो उसको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर रखा जाता है। ओके चलिए अब देखिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में डेप्थ में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की, तो इसके अंदर मेजर तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। अब ये तीनों क्या चीजें हैं? देखिए अगर हम बात करें डायरेक्शनल स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे बेसिकली फर्म का ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या है, दैट इज वो ग्रोथ करना चाहती है, वो स्टेबल रहना चाहती है, या वो यहाँ पे बेसिकली डाइवेस्टमेंट करना चाहती है। तो ये बेसिकली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर आता है। और देखिए यहाँ पे बेसिकली पास्ट ईयर में पूछा भी गया है, तो आप इन तीनों को याद रखिए। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर मेजर तीन कॉम्पोनेंट आते हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट। और बेसिकली ये तीनों किसके पार्ट हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं ये। ओके अगला है आपका पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? देखिए कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी उसको एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मानती है, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, और इसके बेसिस पे देखा जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होती है। थर्ड आपकी पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए पेरेंटिंग स्ट्रेटजी नाम से क्लियर है, बेसिकली यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं उनको मैनेज किया जाता है। ओके बेसिकली रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, तो ये सारे आपके पेरेंटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं। देखिए क्या लिखा गया है पे, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, ट्रांसफर रिसोर्सेज, कल्टिवेट कैपेबिलिटीज अमंग प्रोडक्ट लाइन एंड बिजनेस एक्टिविटीज। ओके तो ये मेजर तीन चीजें आपके आते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर। नाम याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर मेजर तीन कॉम्पोनेंट है, डायरेक्शनल, पोर्टफोलियो एंड पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, क्या लिखा गया है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आर मैप्ड आउट अराउंड द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है इसके बेसिस पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। दे सीक टू ट्रांसलेट दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इनटू रियलिटी। तो बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ओके सेकेंड आपका बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर हम बात करें बिजनेस स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे मेजर दो टाइप की स्ट्रेटजी आती है आपकी। सबसे पहली होती है आपकी कॉपरेटिव स्ट्रेटजी, सेकंड होती है आपकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी। अब ये कॉपरेटिव स्ट्रेटजी क्या है एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी क्या है? अगर हम बात करें कॉपरेटिव स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे बेसिकली दो या तीन फर्म एक साथ कॉपरेट करके बाकी कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इसको कॉपरेटिव स्ट्रेटजी के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर आपको पता होगा मेजर फोर कंपनीज थी यहाँ पे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एंड जियो। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जियो के साथ कॉम्पिटिट करना बाकी फर्म्स के लिए इजी नहीं था, इसीलिए बेसिकली यहाँ पे वोडाफोन एंड आइडिया ने डिसाइड किया कि वो एक साथ कॉपरेट करके जियो के साथ कॉम्पिटिट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे बेसिकली वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई। तो कॉपरेटिव स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली हर एक फर्म इंडिविजुअली कॉम्पिटिट करने की कोशिश करती है बाकी फर्म्स के साथ, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। ओके आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर मेजर दो कॉम्पोनेंट है, आपका कॉपरेटिव स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। चलिए अगला है आपका फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो देखिए फंक्शनल स्ट्रेटजी अभी मैंने डिस्कस किया कि बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग ही स्ट्रेटजी हो सकती है। आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो इनकी अपनी अलग अलग ही स्ट्रेटजी होती है। ये कहाँ पे आती है? फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी जो है ये कौन सी स्ट्रेटजी के अंदर आएगा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल, तो किसमें आएगा? फंक्शनल लेवल के अंदर आएगा। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है ये। विच लेवल ऑफ मैनेजर्स ट्रांसलेट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इनटू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव फॉर देयर इंडिविजुअल बिजनेस। कौन से लेवल के मैनेजर्स
कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को ट्रांसलेट करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस के अकॉर्डिंग। ओके, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको इंडिविजुअल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, तो इसको कौन करता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड मार्केट आर एग्जांपल्स ऑफ। लो कॉस्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड मार्केट, ये कौन से लेवल पे फॉर्मुलेट किया जाता है? देखिए यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट कितना रखना है प्रोडक्ट के अंदर, डिफरेंशिएशन कितना रखना है, फोकस्ड मार्केट कितना होना चाहिए, ये सारा बिजनेस लेवल पे फॉर्मुलेट किया जाता है। बिकॉज टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, बिजनेस लेवल प्रोडक्ट से रिलेटेड डील करता है, फंक्शनल लेवल बेसिकली क्या करते हैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डील करते हैं। ओके, उनको डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करना है, तो यहाँ पे बेसिकली ये किसका पार्ट होना चाहिए? बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस की। चलिए देखते हैं थोड़ा बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर क्या है। तो बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर बेसिकली यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स हैं। पोर्टफोलियो के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो माना जाता है, और यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा अनप्रॉफिटेबल है। जो प्रॉफिटेबल होता है उसको रखा जाता है, जो अनप्रॉफिटेबल होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे उसको कुछ टेक्निक्स हैं, बीसीजी मैट्रिक्स है और आपका जीई 9 सेल मैट्रिक्स है। अब ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या है और जीई 9 सेल मैट्रिक्स क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें बीसीजी मैट्रिक्स की, तो बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली इसको फॉर्मुलेट किसने किया था? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, तो इसीलिए इसका नाम बीसीजी मैट्रिक्स रखा गया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली चार कैटेगरीज होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, और वो चार कैटेगरीज को डिवाइड किया गया ऑन द बेस्ड ऑफ ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। ग्रोथ रेट को बेसिकली इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी बोला जाता है, और मार्केट शेयर को कॉम्पिटिटिव पोजिशन। अब देखिए बीसीजी मैट्रिक्स का मॉडल कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे आपका मार्केट ग्रोथ आता है, यहाँ पे आपका मार्केट शेयर आता है। मार्केट ग्रोथ क्या है, मार्केट शेयर क्या है? देखिए अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, तो मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना कैश रिटर्न आ रहा है, दैट इज आपके प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, उससे आपको कितना कैश रेवेन्यू आ रहा है। अगर आपके पास कैश रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है। ओके, और देखिए मार्केट शेयर ज़्यादा होने का बेनिफिट क्या हो सकता है? आपके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें, बिकॉज आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ज़्यादा सेलिंग हो रही है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपका रिलेटिव मार्केट शेयर का रेलेवेंस है। सेकेंड, मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट के अंदर ग्रोथ रेट कितना है। अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो कंपनी ज़्यादा एंटर करेंगे उसके अंदर, उसका लॉन्ग टर्म देखेंगे वो कि बेसिकली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना है। ओके, अब यहाँ पे मॉडल पे आते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर बहुत कम है, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है हाई, यहाँ होता है लो, यहाँ होता है लो एंड यहाँ होता है आपका हाई। ओके, अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसका मार्केट शेयर लो है और यहाँ पे उसका मार्केट ग्रोथ भी लो है, दोनों के दोनों चीज़ें उसकी लो हैं, तो यहाँ उसको हम डॉग प्रोडक्ट मानेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डॉग प्रोडक्ट को अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से रिमूव करना। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डॉग्स को रिमूव कीजिए अपने पोर्टफोलियो से। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है। सेकेंड, अगर हम बात करें मार्केट शेयर अगर आपका हाई है और आपका मार्केट ग्रोथ रेट कम है, ओके, ग्रोथ रेट आपकी कम है मार्केट शेयर आपका हाई है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, बिकॉज यहाँ पे उसकी ग्रोथ रेट कम है। ओके, ग्रोथ नहीं है उस प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे उसका मार्केट शेयर हाई है, दैट इज कैश रेवेन्यू आपको ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बेसिकली जितना ज़्यादा कैश रिटर्न आ रहा है उस प्रोडक्ट से, उतना ज़्यादा उससे कैश रिटर्न या उससे कैश रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, उसे कलेक्ट कर लिया जाए। ओके, तो यहाँ पे कैश काउ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप मिल्किंग कर सकते हैं काउ से, ओके, जितना ज़्यादा आप कैश रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप कैश रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए। ओके, और जो कैश रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए स्टार प्रोडक्ट के अंदर। स्टार प्रोडक्ट के अंदर क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी हाई है और उसका मार्केट शेयर भी हाई है, तो आप उसके अंदर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, बिकॉज स्टार प्रोडक्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपका मार्केट शेयर कम है बट मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मार्केट में ग्रोथ रेट ज़्यादा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, बट आपका मार्केट शेयर तब भी कम है, ऐसा क्यों है? ये डाउटफुल रहता है, तभी इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया गया है।
तो यहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट के अंदर ग्रोथ रेट ज्यादा होने के बावजूद आपका जो मार्केट शेयर है वो कम क्यों है। ओके तो ये चारे पॉइंट्स आपके कहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर। तो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं, दैट इज आपका जीई 9 सेल मैट्रिक्स। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें जीई 9 सेल मैट्रिक्स की, तो उसको डेवलप किया था जनरल इलेक्ट्रिक ने इन द ईयर 1970s। तो 1970s के अंदर इसको डेवलप किया गया था, इसीलिए इसका नाम जीई 9 सेल मैट्रिक्स है। ओके बिकॉज इसको जनरल इलेक्ट्रिक ने डेवलप किया था। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसके अंदर 9 बॉक्सेस होते हैं। ये 9 बॉक्सेस कुछ इस टाइप के दिखते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे कैसे कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली जीई ने कंसल्ट किया था मैकेंजी एंड कंपनी को और उनके साथ बेसिकली इस 9 बॉक्स फ्रेमवर्क को फ्रेम किया था। ओके ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है बीसीजी मैट्रिक्स का, ये बीसीजी मैट्रिक्स के जैसा ही है बट उसका कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन है। ओके चलिए अब देखिए इस मॉडल पे आते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं, वाई एक्सिस पे आपका आता है इंडस्ट्री के अंदर अट्रैक्टिवनेस कितना है और एक्स एक्सिस पे आता है आपका बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ कितनी है। अब ये इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस क्या है, इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस ये होता है इट इंडिकेट हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर द कंपनी टू कॉम्पिट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट। सो बेसिकली कितना ईजी है और कितना हार्ड है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिट करना और वहां से प्रॉफिट को अर्न करना। अगर कॉम्पिटिट करना और प्रॉफिट अर्न करना बहुत इजी है तो यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई होगा। ओके और बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ में यहाँ पे बेसिकली एक्स एक्सिस पे आते हैं, तो आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है ये बेसिकली आप एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। चलिए अब मान लीजिए आपके बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ जो है वो हाई है। ओके दैट इज आप प्रोडक्ट को इजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडस्ट्री के अंदर अट्रैक्टिवनेस लो है, दैट इज इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम है, आप इजिली कॉम्पिटिट करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जो आप प्रोडक्ट को सेलिंग कर रहे हैं उसको आप होल्ड पे रखेंगे, आप यहाँ पे बेसिकली कि ना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर और ना ही डाइवेस्टमेंट करेंगे, तो इसको होल्ड पे रखेंगे। इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ मीडियम है और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तब भी आप होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, पेपर के अंदर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे पेपर में ये पूछ लिया गया कि अगर आपके बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ लो है और आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, ओके तो यहाँ पे आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी कौन सी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, होल्ड स्ट्रेटजी। ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसके मॉडल की, सिंपल मॉडल है, आप सिंपल से याद रखिए। देखिए जो नीचे के रेड बॉक्सेस हैं इसका मतलब होता है डाइवेस्टमेंट करना, दैट इज आप यहाँ पे बेसिकली उस प्रोडक्ट को सेल करना रोक दीजिए और यहाँ पे बेसिकली उस इंडस्ट्री को लीव कर दीजिए बिकॉज यहाँ पे वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्सेस हैं ये शो करते हैं कि उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। और ये जो डायगनल में येलो बॉक्सेस हैं ये शो करते हैं कि आप होल्ड पे रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सो दैट आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएं कि यहाँ पे बेसिकली उस प्रोडक्ट की सेलिंग करनी चाहिए या फिर उसमें से आपको निकल जाना चाहिए। ओके तो इस तरीके से आप इस बॉक्सेस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली आप आंसर भी यहाँ पे इजिली मार्क कर पाएंगे अगर पेपर में आपसे डायरेक्टली कुछ पूछा जाता है तो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको आप ये देखते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग मार्केट है या फिर नया मार्केट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या नया प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पे आप ये देखते हैं कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, मार्केट डेवलपमेंट करना चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहिए या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो ये सब डिसाइड किया जाता है एनसॉफ मैट्रिक्स के बेसिस पे। फैक्चुअली आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था इगो और एनसॉफ ने। ओके तो आप इस मॉडल को देख लेते हैं। देखिए मॉडल कुछ इस टाइप का दिखता है आपको, यहाँ पे आपका आता है प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका आता है मार्केट। देखिए मान लीजिए आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट है, दैट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और आपका मार्केट भी एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो यहाँ पे आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। इसका क्या मतलब है, देखिए आपने ना तो नया प्रोडक्ट डेवलप किया ना ही मार्केट नया डेवलप किया, तो अब आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बेसिस पे आप मार्केट शेयर एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो जहां पे भी आप मार्केट शेयर की ग्रोथ की बात करते हैं, दैट इज आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी के अंदर आता है। ओके तो ये डील करता है मार्केट शेयर की ग्रोथ से रिलेटेड। ओके चलिए अगला है आपका, अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है और आपका एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो यहाँ पे बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, दैट इज
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बहुत सिंपल है, आप इजीली समझ सकते हैं इसको। ओके, थर्ड है अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और आपका मार्केट न्यू है, तब आप क्या कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सिंपल से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए इसको, ये बॉक्स होता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का और ये होता है आपका मार्केट डेवलपमेंट का। लास्ट है आपका अगर आपकी मार्केट भी न्यू है, अगर आपका प्रोडक्ट भी न्यू है, तब आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, बट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका नया प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है, आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। तो आप नाम याद रखिए, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगले पे आते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड। देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, बट पास्ट ईयर पेपर के अंदर इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई हैं, तो इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम केवल डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपसे फैक्चुअली क्या पूछा जा सकता है कि इसको डेवलप किसने किया। डेवलप इसको किया था रॉबर्ट कैप्लन एंड डेविड नॉर्टन ने, नाम याद रखिए, पूछा गया है पेपर के अंदर। ओके, नाउ बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हम बेसिकली चार चीजों को देखते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड बिजनेस प्रोसेसेस। यही क्वेश्चन आपसे पिछले पेपर में पूछा गया है कि बैलेंस स्कोरकार्ड के अंदर हम कौन से चार कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। तो आप इन नामों को याद रखिए, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड बिजनेस प्रोसेसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैकेंजी 7S मॉडल, सो लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली 7 एलिमेंट्स होते हैं, उन 7 एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आप राइट पाथ पे हैं या नहीं है। ओके, अब ये 7 एलिमेंट्स हैं कौन से, देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फैक्चुअली आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो इसको डेवलप किसने किया था, ये पूछा जा सकता है, टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वाटरमैन ने, किसके साथ, मैकेंजी के साथ, इसीलिए इसका नाम मैकेंजी 7S मॉडल पड़ा। ओके, अब इसके अंदर 7 एलिमेंट्स कौन से हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाफ एंड स्टाइल। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैकेंजी 7S मॉडल के अंदर हार्ड एलिमेंट क्या है एंड सॉफ्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर की ये तीन पार्ट्स हैं आपके, दैट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, ये आपके हार्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं। ओके, अगर हम बात करें सॉफ्ट एलिमेंट की, तो यहाँ पे आपकी चार चीज आती हैं, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल एंड स्टाफ, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। ओके, तो देखिए हार्ड एलिमेंट के अंदर आपकी स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, ये क्या चीजें, हार्ड एलिमेंट क्या है और सॉफ्ट एलिमेंट क्या है। हार्ड एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्ट एलिमेंट वो चीजें हैं जिनको आप इजिली चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, इसको इजिली चेंज नहीं किया जा सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और सॉफ्ट एलिमेंट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स, इनको इजिली चेंज किया जा सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, स्ट्रक्चर की और सिस्टम की। स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, हमने अभी तक बात किसकी की, स्ट्रेटजी क्या होती है, कंटिन्यूअस प्लानिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान है वो स्ट्रेटजी के अंदर आता है। स्ट्रक्चर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप का कैसा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इसके अंदर आता है हार्ड एलिमेंट के अंदर। सिस्टम, सिस्टम का क्या मतलब है, कैसे डेली एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जा रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आपके हार्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं। सॉफ्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो आपका स्टाइल कैसे, दैट इज आपका लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन स्टाइल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कल्चरल फैक्टर्स भी इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। स्टाफ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से इंप्लॉयज हैं, कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये सारे आपके स्टाफ के अंदर आ जाएंगे। स्किल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंप्लॉयज हैं उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं। शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज का क्या मतलब है, देखिए जो टॉप मैनेजमेंट है उनके क्या शेयर्ड वैल्यूज हैं, उनके क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वही ट्रांसफर होते हैं टू द सबॉर्डिनेट्स। तो अगर एथिकल प्रिंसिपल्स सुपीरियर्स के अच्छे हैं तो सबॉर्डिनेट्स में भी वही ट्रांसफर होंगे, तो ये बेसिकली आपके शेयर्ड वैल्यूज के अंदर आते हैं। ओके, कि क्या एथिकल प्रिंसिपल्स टॉप मैनेजमेंट के हैं, वही टॉप मैनेजमेंट के एथिकल प्रिंसिपल्स आपके आपके लोअर मैनेजमेंट में भी ट्रांसफर होते हैं। ओके, चलिए तो ये था आपका मैकेंजी 7S मॉडल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एलिमेंट इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है इसके अंदर से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। तो क्या क्या है इसके अंदर, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेट करते हैं, बट फोर्थ आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेट नहीं करता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आपका क्या आता है, सबसे पहला होता है कि आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं,
सेकेंड, आप स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं. थर्ड, आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड फोर्थ होता है आपका स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना. ओके, स्ट्रेटजी को आप इवेल्युएट करते हैं. तो ये चार स्टेप होते हैं आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर. पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, आप इसको याद रखिए. ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी, दैट इज फंक्शनल स्ट्रेटजी. आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बेसिक एलिमेंट नहीं है. ओके, सो दैट्स ऑल. यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो आप हमारे साथ बने रहिए. ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच.